दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 5 हिल स्टेशन के बारे में। हमारे प्यारे से देश भारत में ऐसे कई सारे हिल स्टेशन हैं कि घूमते घूमते सारी उम्र निकल जाएगी लेकिन आप घूम नहीं पाएंगे। दोस्तों हिल स्टेशन पे जाना हर किसी का सपना होता है क्योंकि हिल स्टेशन का नाम सुनते ही हमारे मन में वहाँ की हसीन वादियाँ, सुंदरता, मनोरंजन और वहाँ का खाना, ये सब याद आने लगता है। यही कारण है कि कई लोग हर साल अलग अलग हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में। वैसे भी पहाड़ी इलाकों में जो शांति और सुकून मिलती है वो आपको महानगरों में थोड़ी ना मिलेगी, क्यों, सही कहा ना? तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम आपको भारत के 5 सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं, ताकि आपको इस साल अपनी पसंदीदा जगह चुनने में ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर है मसूरी। दोस्तों मसूरी उत्तराखंड राज्य के देहरादून से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस हिल स्टेशन से शिवालिक पर्वतमाला और दून घाटियों का नजारा तो देखते ही बनता है। इस जगह का नाम मसूरी नाम की झाड़ी से लिया गया है जो इस क्षेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है। दोस्तों गर्मियों में यहाँ का मौसम बेहद ही सुहावना रहता है और सर्दियों में तो यहाँ बर्फबारी का मजा भी लिया जा सकता है। तो अगर आप यहां जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूं यहां का कैंपटी फॉल, लाल डिब्बा, ज्वाला देवी मंदिर और झड़ी पानी मंदिर को देखना ना भूलें। नंबर 4 पर है मनाली। दोस्तों यह हिल स्टेशन अपनी नाम की तरह बेहद खूबसूरत है। ऋषि मुनियों का घर कहा जाने वाला मनाली किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मनाली को इसकी सुंदरता के साथ साथ हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है और आपको यहाँ मनोरंजन के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग के साथ साथ यहाँ और भी ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए, जैसे हिडिब्बा मंदिर, विशिष्ट कुंड, मणिकरण, रोहतांग पास और सोलंग नाला। इसीलिए आप जब भी यहाँ जाएं तो थोड़ा अतिरिक्त समय निकाल कर जाएं। नंबर 3 पर है दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 70 किलोमीटर दूर इस हिल स्टेशन को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको किसी जन्नत से कम नहीं लगेगा। इसीलिए तो दार्जिलिंग को पश्चिम बंगाल का दिल भी कहा जाता है। वैसे भी दार्जिलिंग की सुंदरता का जादू ही है जिसके कारण यहां आपको हर मौसम में लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ की सुंदरता ही नहीं बल्कि यहाँ की उगने वाली चाय भी पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ की टॉय ट्रेन की यात्रा करना ना भूलें, क्योंकि दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन पूरी दुनिया भर में मशहूर है, जो पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों के बीच से होते हुए गुजरती है, जो सैलानियों के मन को मोह लेती है। दोस्तों नंबर 2 पर है शिमला, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के इस छोटे से हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ की सुंदरता को शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ की हर चीज अनोखी है, फिर चाहे वो मॉल रोड हो या झाकू मंदिर, मसोबरा हो या फुकरी, शिमला की हर एक जगह में आपको ब्रिटिश समय की झलक देखने को मिलेगी। सर्दियों के मौसम में यहाँ जमकर बर्फ गिरती है और साल के बाकी महीनों में यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर है श्रीनगर, कश्मीर। दोस्तों किसी शायर ने ये कहा था कि अगर इस धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, क्योंकि यह जगह ही इतनी खूबसूरत है। यह एक ऐसा शहर है जिसमें कोई कमी नहीं है। सुंदर झीलें, धार्मिक स्थल और चारों तरफ हरी भरी जमीन और डल झील की हाउस बोट इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। यहाँ और भी ऐसी कई जगह है जो देखने लायक है, जैसे इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, शंकराचार्य पहाड़ी, नागिन झील, बैताल घाटी और सोनमर्ग, जो यहाँ के सबसे घूमने लायक जगह है। इस जगह की सुंदरता को देखने का सपना हर किसी का होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।